आप भारत में सड़क पे चलेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको चलना होगा, बाई तरफ चलना होगा। अमेरिका जाएंगे तो दाहिने तरफ चलना होगा। दुनिया की कोई सड़क नहीं जहां आप बीच में चल सकते। तो ये जो सेक्युलरवाद है ना, ये कुछ हद तक बहुत भ्रमित है, भ्रमित जाल है, बहुत बड़ा भ्रम पैदा किया जा रहा है। और सेक्युलरिज्म के नाम पे आत्म कल्याण कुछ नहीं हो रहा है, समाज को सुधारने की कोशिश हो रही है, लेकिन स्वयं में आत्म कल्याण कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सेक्युलरिज्म के जो लोग हैं, जो सेक्युलरवाद को मानते हैं, वो क्या कहते हैं, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। बहुत अच्छा लगता है सुनने में, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन इस नाम पे हो क्या रहा है, मानवता के नाम पे क्या हो रहा है, आप उस उदाहरण से समझ लेंगे। एक प्रोफेसर साहब अपने छात्र को पढ़ाते हैं और वो जो छात्र है वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, नौकरी करने वाला इंसान है, नौकरी करने वाला इंसान। अब नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा था, और ये आज से लगभग 35 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, और ये घटना कहां की है वो भी बता देता हूं, ये घटना झारखंड की है, ये सच्ची घटना है, कोई काल्पनिक घटना मैं नहीं बता रहा। सेक्युलरिज्म क्या है और किस तरीके से माइंड वॉश किया जा रहा है वो आप समझ लेंगे। जिस इंसान को अपनी नौकरी में, सरकारी नौकरी में ग्रेजुएशन नहीं होने के कारण से प्रमोशन नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि नौकरी करते हुए ही मैं ग्रेजुएशन भी कर लूं ताकि सरकारी नौकरी में प्रमोशन मिल जाए। एडमिशन करा लिया, और एडमिशन कराया तो उनकी उम्र 45 साल थी उस समय, यानी खुद नौकरी करने वाले, उनके प्रोफेसर की उम्र भी 60 साल के आसपास थी। ये तो हिंदू थे, प्रोफेसर दूसरे मजहब को मानते थे। अब भाई हमारे सनातन धर्म में गुरु यानी शिक्षक और चिकित्सक को भगवान के रूप में माना जाता है, ये भगवान है। एक डॉक्टर जिसने हमारी जान बचाई है वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है, वो मेरे लिए एक भगवान है, एक वैद्य चिकित्सक भगवान। और जिसने मुझे शिक्षा दी, चाहे वो कौखा गगा पढ़ा रहा हो, चाहे कॉलेज में पढ़ा रहा है, वो सिर्फ नौकरी करने वाला एक शिक्षक, एक प्रोफेसर नहीं है, वो मेरे लिए भगवान है साक्षात। अब वो भगवान, वो जो शिक्षक प्रोफेसर साहब थे, वो बार बार यही कहते थे, मानवता ही एक धर्म है, इससे ज्यादा कोई दूसरा धर्म नहीं है। ये भी मानते थे, छात्र भी मानते थे, बहुत अच्छी बात है, मानवता से बड़ा कुछ नहीं, आपस में प्रेम से बड़ा कुछ नहीं, सारे दुनिया में जितने धर्म बने, पंथ बने, संप्रदाय बने, सब इंसानों को इंसानों के साथ जोड़ने के लिए बनाए गए। अब जो बाबूजी थे 45 साल वाले, उनकी जो विचारधारा थी, वो भारत में एक विचारधारा चलती है कम्युनिस्ट विचारधारा, वो बहुत हद तक सेक्युलर लोग होते हैं, अच्छा है। भगत सिंह भी उसको मानते थे, इसलिए ऐसा नहीं कि वो गलत है, बिल्कुल अच्छा है। अगर अच्छा नहीं होता तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु नहीं जाते, कम्युनिज्म को नहीं मानते, क्योंकि वो आदर्शवाद की बात करता है, वो बात करता है कि समाज में सभी बराबर होने चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो हमारे जो बाबूजी थे 45 साल वाले, वो भी उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुए और कहे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये कोई धर्म नहीं है, बस सबसे बड़ा जो धर्म है वो मानवता का धर्म है, इससे बड़ा तो कोई धर्म ही नहीं है। बहुत अच्छी बात। अब देखिए विचित्र घटना घटती है। प्रोफेसर साहब एक दिन अपने छात्र को बुलाते हैं घर पे भोजन के लिए, ठीक है। प्रोफेसर साहब ने भोजन के लिए बुलाया और भोजन खिलाया, अच्छा भोजन खिलाया, और क्या खिलाया, मांसाहार खिलाया, मांस खिलाया। ये भी खाने वाले थे, वो भी खाने वाले थे, कोई दिक्कत नहीं, चलो खा लिया। मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूं, मैं मांसाहार का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन ये एक प्रसंग है, ये प्रकरण है, इस मुद्दे को समझाने के लिए ये उदाहरण मुझे देना पड़ रहा है, इसलिए आप ये ना समझे कि मैं मांस की बात कर रहा हूं, मैं एक घटना की बात कर रहा हूं, मानसिकता की बात करें। तो बाबूजी अपनी पत्नी से बात करते हैं कि गुरुजी ने मुझे खाना खिलाया है, बड़े प्रेम से खिलाया है, एक दिन मैं चाहता हूं कि गुरुजी को अपने घर पे बुलाएं और बढ़िया से खाना आप भी बनाओ, और उनको मांसाहार भोजन बहुत पसंद है, और जो बाबूजी थे उनकी पत्नी बड़ी अच्छी मांसाहार भोजन बनाती थी, बड़ी स्वादिष्ट, तो उन्होंने कहा बिल्कुल बुलाकर लाइए। तो बड़ी श्रद्धा से एक दिन गुरुजी को वो कहते हैं कि चलो भाई गुरुजी आप
मेरे घर पे आमंत्रित हैं, रविवार को आप आ जाइए, हम चाहते हैं कि आपकी भी सेवा करें। और मेरी पत्नी बहुत बढ़िया मांसाहार भोजन कराती है, बनाती है, आप भी अगर सेवा ग्रहण करेंगे तो हम भी कृतज्ञ हो जाएंगे। अब प्रोफेसर साहब ने स्वीकार कर लिया। अब जिसके घर में, खासतौर से हिंदुओं के घर में कहते हैं कि अतिथि देवो भव, हमारे घर में जो अतिथि आता है वो साधारण इंसान नहीं आता, वो भगवान ही आता है, तो भगवान की सेवा करनी, अतिथि देवो भव। अब जिसके घर में प्रोफेसर गुरुजी आ रहे हैं, तो स्वतः पूरे घर के सारे बच्चे, सब लोग, बाबूजी, माताजी, सब लोग मिलके सुबह से तैयारी कर रहे थे कि क्या क्या उनको नाश्ते में क्या दें, भोजन में क्या दें, भोजन के साथ क्या सलाद दें, तो क्या चीजें दें, सब कुछ की प्लानिंग, कहाँ बैठाना है, कैसे करना है, कैसे घर की सफाई हो, सब कुछ हो गई तैयारी सारी। शाम के वक्त में गुरुजी आए और गुरुजी आके बैठ गए, प्रोफेसर साहब आकर बैठे, खाना वगैरह सब बात हुई, नाश्ता वगैरह कर लिया, खाना परोसा गया कि अब खाना परोसा जाए। रात के 9 बज रहे थे, खाना परोस दिया गया। जब खाना परोस दिया गया तो जो प्रोफेसर साहब थे वो कहते हैं, ये क्या बना है? तो उन्होंने कहा, ये मटन बना है, यानी खस्सी का मीट बना है, बकरे का मीट बना है। तो वो कहते हैं, ये कौन सी दुकान से लाए हो? तो कहते हैं, तो वो कैसे काटा गया है उसको, उसको काटा कैसे गया? भाई हिंदू तो खुल के दिल खोल कर जाकर स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन वो प्रोफेसर साहब ने सिखा दिया ना। और वो बाबूजी, 45 साल के बाबूजी, जो कम्युनिस्ट मानसिकता के थे, मानवता को मानने वाले थे, उसी दिन के बाद जब चले गए प्रोफेसर साहब बिना खाना खाए, ऐसा इंसल्ट हुआ कि उसी रात में पत्नी को कहते हैं, रात भर सो नहीं पाए थे वो बाबूजी, सो नहीं पाए थे। और कहते हैं कि कुछ मानवता वगैरह नहीं है, सब स्वार्थ है, मेरे स्वार्थ की पूर्ति हो रही है तो मानवता तुम्हारा अच्छा है, मेरे स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो रही है तो तुम अच्छे नहीं।